नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज पंडित जी से जानेंगे कि शुक्र का महाराशि परिवर्तन कब होने वाला है, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन सी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन सबसे पहले आज के शुभ संयोग की बात करते हैं। गुलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का माँ लक्ष्मी का माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपादृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुलक टिप से हम बात करेंगे शुक्र के महाराशि परिवर्तन आप में से किन राशि वाले दर्शकों को बनाएगा अमीर, किसके पास होगा गाड़ी बंगला पैसा। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए ग्रह परिवर्तन, ग्रह दशा, रोज के व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में ही दी जाती है। दोस्तों, आज रविवार का दिन है, दिनांक 21 फरवरी 2021, माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है। आज गुप्त नवरात्रा की समाप्ति है। आज श्री हरि जयंती मनाई जाएगी, महानंदा जयंती आज के दिन ही मनाई जाएगी। आज ऐसे दुर्लभ संयोग पर कमल नयन वाले भगवान विष्णु, भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी का पूजन करना, व्रत करना, उपाय करना आप सभी दर्शकों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। माँ नंदा नवमी का व्रत करने से सभी प्रकार के रोग और कष्ट से छुटकारा मिलता है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। माँ नंदा नवमी के दिन व्रत तथा पूजन करने से घर के सभी दुख क्लेश दूर हो जाते हैं। माँ नंदा नवमी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को न केवल भौतिक सुख मिलते हैं बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं आ रही है, अगर आती हैं तो टिक नहीं पाती हैं, तो आज महानंदा नवमी का व्रत जरूर कीजिए। इस व्रत को करने से मन से लक्ष्मी का ध्यान कर पूजन करने से घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायी भी साबित होती है। जी, और अब पंडित जी शुक्र के महाराशि परिवर्तन के बारे में जानना चाहेंगे, राशियों पर क्या प्रभाव है, कब से ये हो रहा है। जी दोस्तों, शुक्र ग्रह को भौतिक सुखों का कारक माना गया है। कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से वाहन, घर, महंगे वस्त्र, आभूषण जैसे तमाम सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्र को कला, सौंदर्य, वैवाहिक जीवन का कारक भी माना गया है, इसलिए ग्लैमर की दुनिया से जुड़े व्यक्तियों पर इसका पूरा प्रभाव होता है। वहीं शुक्र की कृपा से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। शुक्र ग्रह आज दिनांक 21 फरवरी 2021 को प्रातः 2:22 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका है। शुक्र ग्रह विवाह, आपसी संबंध, व्यवसायिक साझेदारी का कारक भी होता है, इसलिए प्रत्येक राशि के लोगों के वैवाहिक जीवन, व्यवसायिक जीवन पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं शुक्र का राशि परिवर्तन आप में से किन दशकों को बनाएगा अमीर, किन के पास होगा गाड़ी बंगला पैसा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दशक हैं, शुक्र आपकी राशि से 11th हाउस के अंदर 11वें भाव में संचरण करेगा, गोचर करेगा, प्रवेश करेगा। शुक्र के महाराशि परिवर्तन के दौरान आपके जीवन में खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। दिल की कोई अच्छी मुराद, बड़ी मुराद आपकी पूरी हो सकती है। आर्थिक लाभ की संभावना है। प्रेम संबंधों में प्यार और बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। कुल मिला के शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। साथ में मैं उपाय भी बताऊंगा। शुक्रवार के दिन कन्याओं के अनाथाश्रम में शक्कर की बोरी का दान कीजिएगा, शुक्र का राशि परिवर्तन शुभ रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। शुक्र आपकी राशि से 10th हाउस में 10वें भाव में प्रवेश करेगा। नौकरी, तरक्की, बिजनेस में लाभ होने की पूरी संभावना है। कार्य से संबंधित छोटी या फिर लंबी यात्रा की भी संभावना है। निजी संबंधों में प्रेम सौहार्द बना रहेगा, लेकिन आपसी कलेश बहस से बचना होगा। साथ ही कार्यालय में भी अनैतिक संबंधों से दूरी बनाए रखनी होगी। वाहन सावधानीपूर्वक चलाना होगा। उपाय, शुक्रवार के दिन अंधे बच्चों के स्कूल में बच्चों को कुछ मीठा अवश्य खिलाएगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, शुक्र आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य स्थान में गोचर करने जा रहा है। मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा, भाग्य का सुख आपको प्राप्त होगा। यात्राएं संभव है जिनमें से कुछ फायदेमंद साबित हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में ठहराव आएगा, भाग्य का साथ मिलेगा। कोई नया बिजनेस भी इस दौरान आप शुरू कर सकते हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन शुभ रहेगा। उपाय,
शुक्रवार को मोगरे के पुष्पों का गजरा अपनी पत्नी को गिफ्ट कीजिएगा और पत्नी पति को मोगरे का इत्र भेंट करें। शुक्र का राशि परिवर्तन आपके जीवन में शुभ रहने वाला है जी। और अब आगे बढ़ते हैं, कर्क सिंह कन्या आपके लिए भी जानते हैं, बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से अष्टम भाव में होने वाला है। सेहत से जुड़ी परेशानियां आपको हो सकती है, अचानक से लाभ और हानि दोनों हो सकती है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। कैरियर में भी फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अनुचित जो माध्यम होते हैं, अनैतिक कार्य अनुचित माध्यमों के साधन से लाभ उठाने की गतिविधियों से दूर रहिएगा, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय, माँ दुर्गा के 108 नामों का पाठ प्रतिदिन करना है। सिंह राशि, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 7th हाउस के अंदर होने जा रहा है। शुक्र का प्रभाव आपकी लाइफ पर पूर्ण रूप से पड़ेगा, जीवन में बहार आएगी, अपनों के साथ वक्त बिताने का मौका मिल सकता है, समाज में आपकी छवि सुधरेगी और व्यक्तित्व में पर्सनैलिटी में निखार आएगा, भाग्य का साथ मिलेगा, विवाह सुख प्राप्त होगा। उपाय क्या करना है, शुक्रवार के दिन मंदिर में देवी मंदिर के अंदर लाल गुलाब देवी माँ को अर्पण करना है। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, शुक्र आपकी राशि से 6th भाव के अंदर शुक्र गोचर करेगा, सफलता मिलने के पूर्ण योग है, गुप्त शत्रु से सावधान रहे, जीवन साथी से बहस से बचे, विवाह योग्य जातकों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं, नौकरी व्यापार ठीक रहेगा, सब कुछ बाकी वैसे मंगल है। उपाय क्या करना है, शुक्रवार के दिन कन्याओं का पूजन करना है, कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर उनको अर्पण कीजिएगा जी। और अब आगे तुला वृश्चिक धनु आपके लिए भी जानते हैं, आपके लिए शुक्र का महाराशि परिवर्तन क्या लिख रहा है। चलिए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 5th भाव में होने जा रहा है। शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपके पर्सनल रिलेशंस के लिहाज से अच्छा है, रिश्तों में प्यार के बढ़ने से निजी संबंध मजबूत होंगे, आय में वृद्धि होगी, विवाह योग्य जातकों का विवाह हो सकता है। उपाय क्या करें, शुक्रवार को श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा की पूजा करें, खीर का प्रसाद चढ़ाएं और ग्रहण करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, शुक्र आपकी राशि से 4th भाव में प्रवेश करेगा, ये समय आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएगा, परिवार में प्रेम सौहार्द बना रहेगा, कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बेवजह के विवादों से बचने का प्रयास कीजिए, खुद के घर का गाड़ी का सपना पूर्ण हो सकता है। उपाय, शुक्रवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में माँ गौरी और भगवान शिव का छाछ से अभिषेक कीजिएगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 3rd हाउस के अंदर तृतीय भाव में होने जा रहा है, आपका पराक्रम बढ़ेगा, नाम शौहरत प्रसिद्धि मिल सकती है, छोटी मोटी यात्राएं संभव हैं, जीवन में किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, सामाजिक स्तर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सुयोग्य जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। उपाय, चांदी की पायजेब अपनी माँ को शुक्रवार के दिन भेंट कीजिएगा। और अब आखिरी 3 राशियों की बात करते हैं, मकर कुंभ मीन आपके लिए जानते हैं, बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, शुक्र आपकी राशि से 2nd हाउस के अंदर गोचर करने वाला है, प्रवेश करने वाला है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको होते हुए नजर आएंगे, जमीन जायदाद से आपको फायदा हो सकता है, बातचीत करने की आदत को सुधारिएगा, बोली की मिठास बनाए रखिएगा, परिवार में मांगलिक कार्य हो सकता है। उपाय, रोजाना देवी माँ का पूजन कीजिएगा, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कीजिएगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, शुक्र आपकी राशि में ही गोचर करेगा, इस दौरान आप अच्छे कार्यों के लिए जाने जाएंगे, बीते समय में किए गए संघर्षों का लाभ इस दौरान आपको प्राप्त होगा, आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको खुशी हासिल होगी, शादीशुदा जिंदगी में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। उपाय क्या करना है, शुक्रवार को नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का स्फटिक की माला से 108 बार जाप करना है। अंतिम जो राशि मीन राशि, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 12th हाउस में होने जा रहा है, मौज मस्ती रुचि बढ़ेगी, भौतिक सुखों की ओर मन ज़्यादा लगेगा, खर्च बढ़ सकते हैं, विदेश यात्रा का योग बन सकता है, लेकिन जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट से दूर रहे, जमानत गारंटी से दूर रहें, समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा, अविवाहित जातकों को विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे। उपाय क्या करें,
शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में इत्र का और कमल का पुष्प का दान करें। निश्चित तौर पर शुक्र का महाराशि परिवर्तन आप सभी दशकों के लिए शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। जी हाँ पंडित जी, अब आपसे आज का दिव्य मंत्र जानना चाहेंगे कि आज के लिए विशेष मंत्र क्या है दर्शकों के लिए, क्योंकि खास दिन है, रविवार का दिन है, नवमी का दिन है। देखिए, जैसे आज मैंने आपको बताया कि महानंदा नवमी है और साथ में रविवार का दिन भी है, तो आज एक माला कम से कम ओम घणी सूर्याय नमः, ओम घणी सूर्याय नमः, ओम घणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। दूसरा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। तीसरा ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। चौथा ओम आपदाम अपहंतारम दातारम सरसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। चौथा महामृत्युंजय मंत्र ओम तब्यकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। निश्चित तौर पर पूरा एक साल आपका हर्डल फ्री बना रहेगा। जी, तो पंडित जी ने बताया आपको कि किस तरह से आज का दिन बेहद खास आप बना सकते हैं और साथ ही साथ शुक्र का महाराशि परिवर्तन जिसका आपकी राशियों पर क्या प्रभाव होगा ये भी पंडित जी ने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।